मुताहिर तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि फातिमा को बच्चा नहीं देगा वो। हाय, मुताहिर की जिद ना मेरी बच्ची की दुश्मन बन गई है। हाल देखो इसका, कैसे मुरझा गई है, कोई ख्याल नहीं अपना उसको। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम्हारा अपना घर बर्बाद हुआ है ना, तो तुम चाहती हो कि मेरी बेटी का घर भी बर्बाद हो जाए। फातिमा, तुमने कभी मेरी अनीका का भला चाहा ही नहीं। अगर मैं अनीका का बुरा चाहती ना, तो आज मेरी जगह इस घर में अनीका होती। असल में शॉपिंग में जो है ना, वक्त का पता ही नहीं चला मुझे बिल्कुल भी। अभी अभी आई हूँ। अरे तो कहाँ है मौसूफ, हमें नहीं मिल पाओगी अपने मंगेतर से? असल में आंटी वो अभी आए थे इधर, लेकिन जरा रिजर्व्ड है, उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, वरना आजकल के लड़के तो बस। खैर नौरीन, तुम ऐसा करो फिर जल्दी से खाना लगवा लो, बहुत देर हो जाएगी। मैं तो तुम्हारी जिद पे रुक गई थी बस खाना खाने के लिए। आज आप लोगों को आखिरी दफा बता रहा हूँ, आइंदा अगर मैंने फातिमा का नाम किसी के मुंह से सुना ना, तो अच्छा नहीं होगा। जिसने जो बात करनी है मेरे सामने करे, क्योंकि जवाब भी मैं ही दूंगा।